हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट ईवीएस के बारे में देखेंगे, जो आपका सीटेट होता है उसमें जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मेन मेन पॉइंट हम जानेंगे, ठीक है। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखो, हम कुछ एनिमल की बात करें तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपका देखो, फर्स्ट क्या था आपका, रैट्स के बारे में देखें, चूहे के बारे में जाने। तो आपने चूहे के बारे में जाना ही होगा, बट जो आपके ईवीएस में क्या मेंशन है इसके बारे में, तो चूहों में क्या होती है आप देख सकते हो इमेज में, देखा होगा घर में। तो चूहे के क्या फीचर्स हैं, चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, ध्यान रखना। जो देखने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, बट सूंघने की, ध्यान रखना, स्मेल करने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है, ध्यान रखना, बहुत ही तीव्र होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स चूहे को देखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, बट इनको, इनकी जो सूंघने वाली, सूंघने के जो फीचर्स हैं इनके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और छूने के तथा स्वाद वाली क्षमता इनकी बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तेज होती है, ध्यान रखना। तो रैट्स हैव ए पुअर आई साइट बट हैव ए एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, ध्यान रखना, बहुत ही सूंघने की बहुत ही ज़्यादा इनकी क्या होती है, क्षमता होती है, और टच एंड टेस्ट की भी क्या होती है, इनकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट याद रखना, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, बट सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कौन सा जानवर है आपका, ठीक है, तो चूहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हांगकांग के बारे में जानते हैं कि वहाँ की क्या चीज़ें फेमस है, ठीक है। तो एक हांगकांग की लड़की है, देख सकते हो आप इमेज में, ये क्या बता रही है, वो हांगकांग में रहती है और कुछ वहाँ की चीज़ों के बारे में बता रही है। तो देखते हैं हांगकांग के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो देखो क्या लड़की कह रही है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं, ध्यान रखना। तो हांगकांग के लोग क्या करते हैं, सांप खाना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, सांप को बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, ध्यान रखना। और इनका नाम क्या होता है, जब होटल में जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन, ध्यान रखना, इसको याद रखना, लिंग लिंग हु फेन, ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना आप। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एक तो यहाँ पे क्या खाया जाता है आपका, सांप खाया जाता है, और लिंग हु फेन बोलते हैं, ध्यान रखना, सांप को क्या बोलते हैं होटल में जाके, लिंग हु फेन हमें खाना, तो क्या लेके आता है, सांप लेके आता है। तो ये कहाँ की चीज़ें, कहाँ की पॉइंट है आपके हांगकांग के बारे में, ध्यान रखना। सो देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी, आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक, ये क्या करते हैं, सांप को खाते हैं। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक वी गो टू द नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हु फेन, ध्यान रखना, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस को याद रखना, लिंग हु फेन को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, सांप, स्नेक, ध्यान रखना। और ये कहाँ की बात हो रही है आपके, हांगकांग की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो कश्मीर का जो फीचर्स है क्या है, देख सकते हो, तो देखो वहाँ पे एक गर्ल्स है, वो क्या बता रही है, आप देख सकते हो इमेज में, एक गर्ल्स है जिसका नाम क्या है, जूनी नाम है, ये वहाँ के बारे में क्या बताती है कश्मीर के बारे में। देखो मैं कश्मीर में रहती हूँ, ये बता रही है अपने बारे में कि वहाँ पे क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है, ध्यान रखना। कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो मछली बनाते हैं किस में बनाते हैं, तो सरसों के तेल में बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कश्मीर में बनाते हैं मछली बनाते हैं, तो उसमें किस तेल में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं।
एक बार हम गोवा गए थे, ये क्या बता रही है कि एक बार गोवा गई थी तो उसके बारे में बता रही है कि गोवा के बारे में, वहाँ हमने मछली खाई, वहाँ पे जाके क्या किया इसने, मछली खाया पर स्वाद बहुत ही अलग था। ठीक है, स्वाद बहुत ही अलग था। ऐसा क्यों? माँ ने क्या कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही होगा, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ की बात थी, एक तो कश्मीर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, गोवा के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? गोवा के बारे में, जो वहाँ पे फिश होती है, मछली होती है, उसको किस ऑयल में पकाया जाता है, ध्यान रखना, किस ऑयल में पकाया जाता है, तो कोकोनट ऑयल में, ध्यान रखना, कोकोनट ऑयल में। तो अगर हम गोवा की बात करें तो वहाँ के लोग जो मछली बनाते हैं, समुद्र की मछली बनाते हैं, किस में बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, नारियल के तेल में बनाते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे मछली किस में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं। तो इस वजह से दोनों का स्वाद, जो कश्मीर में मछली बनती है सरसों के तेल में उसका स्वाद, और जो गोवा में बन रही है मछली आपके कोकोनट ऑयल में, इस वजह से दोनों का टेस्ट क्या हो रहा है, आपका अलग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दो पॉइंट आया, किसका, कश्मीर का और गोवा का। ठीक है, और गोवा के बारे में तो ध्यान रखना, ये दो पॉइंट आप याद रखना, कश्मीर और गोवा, ध्यान रखना, कश्मीर में और गोवा में। गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी बेस पे कि कश्मीर में मछली किस में बनती है आपकी, सरसों के तेल में, गोवा में किस में बनती है, कोकोनट ऑयल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बता रही है, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन अ मस्टर्ड ऑयल। ठीक, वंस वी हैड गॉन टू ए गोवा, एक बार जब गोवा गई थी, वी एट ए फिश देयर बट इट टेस्ट इज वॉट वेरी डिफरेंट, इसका टेस्ट क्या था, डिफरेंट था, बट क्यों, माई मदर सेट दैट इट वॉज सी फूड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ये क्या थी आपकी, समुद्री मछली थी जो किस में बनी थी, कोकोनट ऑयल में बनी थी। इस वजह से जो इसका टेस्ट, कश्मीर में जो मछली बनी थी आपके सरसों के तेल में, इस वजह से क्या था आपका, डिफरेंट था, टेस्ट दोनों का डिफरेंट था। ठीक है, इट हैड टू बी डिफरेंट, इन दोनों का टेस्ट क्या था आपका, डिफरेंट था, क्योंकि नारियल में जो मछली बनेगी और जो सरसों के तेल में मछली बनेगी, दोनों का क्या होगा, आपका टेस्ट डिफरेंट होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट देखा, कश्मीर के बारे में और गोवा के बारे में, ये चीज़ आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम केरला की बात करते हैं। अब देखो केरला की बात करें तो वहाँ पे क्या फीचर्स है, एक बच्चा है जो आप केरल के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम केरला की बात करें, केरल में तो वहाँ पे एक बच्चा है जो वहाँ की चीज़ों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ। ये क्या कर रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं वहाँ की, ये बता रहा है केरल में कि केरल में सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वो क्या है आगे देखते हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, इसने ये भी बताया कि दो चीज़ें जो अच्छी है वो कहाँ पे है, मेरे घर के आंगन में ही है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, एक ऊपर कहाँ, ऊंचे पेड़ पर, और दूसरी जमीन के नीचे। मीन्स एक क्या है, ऊपर पेड़ के ऊपर है, ध्यान रखना, एक क्या आपका पेड़ के ऊपर ही है और एक क्या आपका जमीन पे ही है, मीन्स आपके धरती पे ही है, जमीन के नीचे, सॉरी, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। मीन्स यहाँ पे ध्यान रखना, अगर केरल की बात करें तो ध्यान रखना, टैपियोका जब भी आपको दिख जाए लिखा हुआ तो किसकी बात हो रही है आपकी, केरला की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो केरल में दो चीज़ फेमस है क्या होती है, एक तो पेड़ के ऊपर ही होती है और दूसरी क्या होती है, जमीन के नीचे, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होता है आपका, बस नारियल डली हुई किसी भी करी, नारियल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए, ध्यान रखना, टैपियोका जहाँ भी आएगा तो केरल की बात होगी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना आप, टैपियोका जहाँ भी आपका है वर्ड, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो टैपियोका से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक समरी टाइप का यहाँ पे बना रखा है मैंने, जो अभी हमने पढ़ा है, क्या कहाँ कहाँ के बारे में पढ़ा है, एक तो हमने कहाँ पढ़ा है, हांगकांग के बारे में, और कहाँ के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक,
हांगकांग हो गया आपका, ठीक, हांगकांग हो गया आपका, कश्मीर हो गया, गोवा हो गया और केरला हो गया, चारों के बारे में याद रखना। अगर हम हांगकांग के बारे में बात करें तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, ई मतलब स्नैक, सांप को खाना बहुत ही पसंद करते हैं, ईट स्नैक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी उनको स्नैक खाने का मन करता है तो क्या करते हैं, नियर बाई होटल में जाके क्या बोलते हैं, क्या खाना हमें, लिंगू फेन, ध्यान रखना, लिंगू फेन। तो हांगकांग में क्या करते हैं, ईट खाना पसंद करते हैं, ईट स्नैक, वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक वी गो टू द नियर बाई होटल एंड ईट लिंगू फेन, मीन्स जब भी उनको मन करता है सांप खाने का तो किसी नज़दीक होटल में जाके क्या बोलते हैं, क्या मंगाते हैं, लिंगू फेन मीन्स सांप, ध्यान रखना, ईट ईट स्नैक, ध्यान रखना, हांगकांग की बात हो रही है तो क्या खाते हैं वहाँ पे, स्नैक की बात हो रही है। ए बी टॉक अबाउट द कश्मीर, कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कश्मीर में जो मछली बनाते हैं किस में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में, ध्यान, तो कश्मीर में जो मछली बनाते हैं किस में आते हैं, मस्टर्ड ऑयल में, तो कश्मीर में क्या होता है, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, ध्यान रखना, ठीक है। ए बी टॉक अबाउट द गोवा, अगर हम गोवा की बात करें, राइट, गोवा में क्या करते हो आप, फिश को किस में बनाते हो, कोकोनट ऑयल में बनाते हो, ध्यान रखना, वहाँ पे नारियल बहुत मिलता है तो इस वजह से ध्यान रखना, वहाँ पे हम किस में बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, ध्यान रखना। तो वी एट ए फिश देयर बट इट टेस्ट इज नॉट वेरी डिफरेंट, इट वॉज नथिंग बट द सी फिश कुकड इन अ कोकोनट ऑयल, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी फिश होती है उसको किस में बनाते हैं, कुकड इन ए कोकोनट ऑयल, तो ये किसकी बात हो रही है, गोवा की बात हो रही है। बट इफ वी टॉक अबाउट द कश्मीर, कश्मीर में किसकी बनाते हैं, कश्मीर में किस में बनाते हैं, किस में कुकड करते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल में, फिश को किस में बनाते हो आप, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में बनाते हो, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, केरला की बात करें, बी टॉक अबाउट द केरला, अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हो आप, वहाँ पे दो चीज़ें आपकी क्या होती है, फेमस होती है, ठीक है, लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन आवर कोर्ट यार्ड, ठीक है, वंस ग्रो ऑन ए टॉल ऑफ ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड, ठीक है, मीन्स एक क्या होती है जो पेड़ के ऊपर होती है और दूसरी क्या होती है ज़मीन के नीचे होती है, वो दो चीज़ें फेमस है। और इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल, ध्यान रखना, इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल टोपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल, ध्यान रखना, यूजिंग कोकोनट, तो ध्यान रखना, टोपियोका, टैपियोका, जहाँ भी आया आपका, टैपियोका की बात करें हम तो किसकी बात होगी आपकी, टैपियोका, टैपियोका की बात होगी तो किसकी बात होगी, ध्यान रखना, केरला की बात होगी, केरला की बात होगी, टैपियोका जहाँ भी आपको दिख जाए ऑप्शन में तो किसकी बात होगी, केरला की बात होगी। तो देखो जो भी रेड रेड हमने कर रखा है, ईट बॉयल टैपियोका विथ एनी करी मेड, ठीक है, यहाँ पे सी फिश कुक विद द कोकोनट ऑयल, किसकी बात हो रही, गोवा, गोवा की आपकी। तो हांगकांग में क्या करते हैं, स्नेक को खाते हैं, उसका नाम क्या है, लिंगूफेन। कश्मीर की बात करें तो मछली हम किस में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। गोवा की बात करें तो वहाँ पे किस में बनाते हैं, जो आपकी मछली होती है किस में बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं। और केरला की बात करें तो ध्यान रखना, टैपियोका आपका आ जाए तो केरला की बात हो रही है। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ योर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। इसमें क्या है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेले स्क्रिप्ट की बात करें, ब्रेले स्क्रिप्ट, ब्रेले लिपि की बात करें आप, ब्रेले, ध्यान रखना, ये क्या होती है, एक लिपि होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, जो बेसिकली यूज होती है किसके लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए क्या होता है, एक पढ़ने का तरीका होता है, एक मेथड होता है, जो लोग बाई बर्थ देख नहीं सकते, ठीक है, या कोई कोई ट्रेजिडी उनके साथ हो जा रही है, आँख आँख से देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक तरीका बनाया गया है कि वो कैसे पढ़ें, तो उसको बोलते हैं ब्रेले स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्रेले स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है आपके, एक आपका डॉट डॉट बना होता है आपके स्क्रीन पे, कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं, उनको टच करके क्या करते हो आप, फील कर लेते हो कि क्या होगा, ई आपका ए लिखा है, अगर दो डॉट आपके उभरे हुए तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, बी लिखा है, अगर तीन डॉट उभरे हुए तो दैट मीन्स सी लिखा है, आप टच करके फील कर सकते हो। तो अगर हम ब्रेले स्क्रिप्ट की बात करें तो बेसिकली यूज क्यों होती है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, उसका नाम क्या है, ब्रेले, ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, ब्रेले स्क्रिप्ट बोलते हो, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें, देयर इज स्पेशल टेक्निक और वे
ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ए पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका, दैट इज कॉल्ड द ब्रेले, उसको क्या बोलते हो, ब्रेले बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इस स्क्रिप्ट की बात करें, ये कितने पॉइंट पे बेस है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, ब्रेले स्क्रिप्ट है, कितने पॉइंट पे ये बेस है, तो ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन आता है। द ब्रेले स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है, जो आपकी ब्रेले स्क्रिप्ट होती है कितने पॉइंट पे बेस होती है, 6 पॉइंट पे, जिनमें से आपके इस टाइप के पॉइंट बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इन्हीं डॉट में से क्या होता है, कुछ डॉट उभरे होते हैं और कुछ डॉट नहीं उभरे होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने डॉट उभरे हैं, उसी के हिसाब से क्या बनाते हैं, हम ए बी सी डी अल्फ़ाबेट बना लेते हैं, तो उससे टच करके आप फील कर लेते हो कि क्या लिखा है आपका। अब देखो लुईस ब्रेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो ब्रेले स्क्रिप्ट को डेवलप किसने किया था, लुईस ब्रेल उनका नाम ही था, वो क्या था, बचपन में क्या था, अपने पिता के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ठीक, इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, जिससे क्या हो गया, इनकी आंखें चली गई थी, देख नहीं सकते, उसके बाद तो उन्होंने क्या किया था, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। और रहने कहाँ के रहने वाले थे, तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, जो उनका नाम है लुईस ब्रेल, ये बिलोंग टू द फ्रांस, ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ध्यान रखना, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, तो लुई ब्रेल जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस देश का रहने वाला था। आप देख सकते हो इसकी इमेज, ब्रेल स्क्रिप्ट जो आपकी इमेज है यहाँ पे देख सकते हो, बनाया गया ए बी सी बनाया गया आपका, ठीक है, डी बनाया गया, ई बनाया गया, देखो कितने पॉइंट पे बेस है, 6 पे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 डॉट पे बेस है। अब इसमें से क्या होती है, कुछ डॉट उभरे होते हैं, तो आप जब इसको टच करोगे तो फील कर लोगे कि ए बना है आपका, अगर एक डॉट उभरा हुआ है तो ए बना, 2 डॉट उभरे हुए हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बी, अगर डॉट आपके हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल डॉट है, अगर हॉरिजॉन्टल है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सी, अगर आपका एल शेप है, राइट, 7 आपने बना दिया है डॉट को, 3 डॉट उभरे हुए हैं तो डी है, इसी तरह आपके डायगोनल डॉट उभरे हुए हैं तो ई बन जाएगा, तो इस टाइप से हमने सिंबल बना रखे हैं उनको, डॉट को उभार के, ठीक, तो इस टाइप की आपकी ब्रेले स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, ये पढ़ने का एक खास तरीका होता है, और ये किन के लिए होता है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी क्या है, पढ़ने का एक तरीका, उसका नाम क्या है, ब्रेले स्क्रिप्ट, ठीक है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या मैक्सिमम पॉइंट आता है कि ब्रेले स्क्रिप्ट क्या है आपकी, एक तो ये पूछ लेता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका, ये कितने पॉइंट पे बेस है, कितने पॉइंट्स पे बेस है, तो ध्यान रखना 6 पॉइंट पे बेस है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखना। और ये रहने वाले कहाँ थे जिन्होंने डेवलप किया था, फ्रांस के रहने वाले थे, तो देयर आर 3 मेजर पॉइंट रिगार्डिंग दिस ब्रेले स्क्रिप्ट, आप उसको याद कर लो या माइंड में फिटअप कर लो, ठीक है। तो ये क्या था, ब्रेले स्क्रिप्ट के बारे में था आपका। ठीक है, अब देखो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो और पढ़ के इसका आंसर बताओ, जो अभी आपने क्लास में किया है उसके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ठीक है, नारियल के तेल में कहाँ बनाते हैं, जो आपकी फिश होती है, ठीक है, जो आपकी फिश होती है, जो आपकी फिश होती है, ठीक है, देखा होगा आपने, ये कहाँ के लोग नारियल के तेल में पका के खाते हैं, तो नारियल के तेल में कहाँ के लोग बनाते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है, या गोवा की बात करें, तो गोवा में क्या करते हैं लोग, गोवा में क्या करते हैं कि जो आपकी फिश होती है उसको किस में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सॉरी मस्टर्ड नहीं, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, ध्यान रखना। तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, गोवा दे रखा है, जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है, बिहार दे रखा है, मिजोरम दे रखा है, तो होगा नहीं यहाँ पे दोनों, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है आपका, मस्टर्ड ऑयल में बना के बनाते हैं, सरसों के तेल में, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, गोवा हो जाएगा। गोवा में क्या करते हैं कि जो आपकी मछली होती है समुद्री मछली उसको हम किस में पका के खाते हैं, कोकोनट ऑयल में पका के खाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1 इज वॉट करेक्ट आंसर, देख सकते हो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट? सी फिश कुक्ड इन अ कोकोनट ऑयल. ध्यान रखना किस में होता है आपका, गोवा में होता है, ध्यान रखना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अब देखो इसमें क्या है, तो नॉर्मल है आपका, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, इस पौधा का नाम क्या है आपका, बताओ. नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक. ये तो आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है, देखा भी होगा सभी ने. इसका तो करेक्ट आंसर आपको सबको पता होगा. देखो यहाँ पे क्या, एक ऐसा पौधा है जिन्हें आप सब्जी में भी यूज करते हो, ठीक है, और इनके बीज से क्या करते हो आप, तेल प्राप्त करते हो. तो ऐसा कौन सा पौधा है आपका, ऐसा कौन सा पौधा है आपका जिससे क्या करते हो आप, क्या करते हो आप, इनके पत्ते को यूज करके क्या करते हो, पत्ते को यूज करके क्या करते हो आप, सब्जी भी बनाते हो, और जो इनके बीज होते हैं, ठीक है, उनके बीज का यूज करके क्या करते हो आप, तेल भी प्राप्त करते हो. तो ऐसे पौधे का नाम क्या होगा आपका, नारियल नहीं, बंद गोभी नहीं, पालक नहीं, पालक तो पत्ते का यूज करते हो, ठीक है, बंद गोभी आपने क्या किया, इसका यूज किया सब्जी में, नारियल का नहीं यूज करते हो. तो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सरसों. सरसों ऐसा पौधा है जो जिसके पत्ते को आप क्या करते हो, सब्जी भी बनाते हो, और उसके जो फूल होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसको क्या करते हो आप, उसको क्या करते हो आप, सरसों का तेल बनाते हो. ध्यान रखना उससे क्या होता है आपका, तेल प्राप्त होता है, ठीक. अब देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से. अगर हम बात करें क्वेश्चन, देखो, बॉयल टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रीफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ व्हाट. जो आपकी नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है. ध्यान रखो, टैपियोका मैंने बताया था, जहाँ भी टैपियोका आपको सुनने में मिल जाए, तो कौन सा होगा आपका स्टेट, कौन सा होगा राज्य आपका, कौन सा होगा आपका, केरल होगा. ध्यान रखना, केरल इज व्हाट करेक्ट आंसर आपका, केरल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है, ध्यान रखना. ना तो वेस्ट बंगाल होगा, ना बिहार होगा, ना तमिलनाडु होगा, तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, केरल होगा, ध्यान रखना. अब देखो यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है. तो स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो इसमें क्या पॉइंट है आपका, क्या आपको पता होना चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है. गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. ध्यान रखना, तो कभी कभी पूछेगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखना गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. देखना इमेज में देख सकते हो, एक कदम स्वच्छता की ओर, ध्यान रखना, ठीक है, ये सिंबल है, लोगो है स्वच्छ भारत, ठीक. तो ये ध्यान रखना 150वीं वर्षगांठ पे ही क्या किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, ठीक है. और ये क्या, इसमें क्या कहा गया था, ये हमें एहसास दिलाता है, ठीक है, कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है. इसमें ये कहा गया था कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फर्ज है. अगर स्वच्छ रहेंगे तो क्या होगा आपका, इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, सभी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है. तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे क्या बना गया था आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना. तो फॉर गांधी जी 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड, ध्यान रखना. इट इज हेल्प टू अस रियलाइज दैट क्लीनिनेस इज अ एवरी वन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये है सबकी ड्यूटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ध्यान रखना. तो स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि क्या आपका फर्ज भी है. तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वर्षगांठ पे, तो ये 150वीं याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये गांधी जी की वर्षगांठ पे हुई थी, 150वीं वर्षगांठ पे, ठीक. सेम पॉइंट है आपका, ठीक.
अब देखो यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम ब्रेले स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके ब्रेले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ईबीएस सेक्शन में सीटेट एग्जाम में आए थे, क्या थे आपके? निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक, जहाँ भी दृष्टिहीन बालक की बात करें तो ऑब्वियस बात किसकी बात हो रही होगी आपकी, बालक को लिपि से शिक्षा दी जाती है, कौन सी लिपि यूज होती है, कौन सी लिपि यूज की जाती है दृष्टिहीन बालक, जो बालक देख नहीं सकते उनके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है उनको शिक्षा देने के लिए? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देवनागरी, ठीक है। सेकेंड क्या आपका, ब्रेले, गुरमुखी और लुई। तो कौन सा होगा करेक्ट आपका? ब्रेले स्क्रिप्ट, ध्यान रखना ब्रेले, ब्रेले आपकी स्क्रिप्ट होती है, ब्रेले स्क्रिप्ट इसको यूज किया जाता है, ठीक है ध्यान रखना ठीक है। तो ध्यान रखना लुई ब्रेल पुराना नाम था इनका, गुरुमुखी नहीं होगा आपका, देवनागरी नहीं होगा, ब्रेले होगा, तो ब्रेले इज वॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन इज टॉट इन अ वॉट स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट होती है आपकी? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ब्रेले स्क्रिप्ट हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पे ब्रेले स्क्रिप्ट। और इसमें पूछ लेता है आपका ये कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो कितने पॉइंट पर आधारित है, तो सिक्स डॉट पे। तो देवनागरी नहीं होगा, गुरुमुखी नहीं होगा, लुई नहीं होगा, कौन सा होगा आपका? ब्रेले स्क्रिप्ट होगी, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द फादर ऑफ ब्रेले स्क्रिप्ट, ब्रेले स्क्रिप्ट के जनक कौन है, ठीक है, ब्रेले स्क्रिप्ट के जनक कौन है? तो हम बात करते हैं ब्रेले स्क्रिप्ट के जनक कौन है, ऑब्वियसली बात हमने बताया था लुई ब्रेल थे, कौन थे? लुई ब्रेल थे, ध्यान रखना, कौन थे आपके? लुई ब्रेल, ब्रेले लिप के जनक कौन थे आपके? तो लुई ब्रेल थे, ध्यान। देखो लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे, तो कौन सा होगा आपकी? अभी मैंने बताया कौन से देश के निवासी थे लुई ब्रेल, तो कौन से लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे, तो किसके थे आपके? फ्रांस के थे, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेले लिपि, ठीक है, में उभरे हुए शब्द के रूप में कैसे पढ़ा जाता है? हाउ इज द फॉर्म ऑफ द इम्बोज्ड वर्ड रीड इन अ ब्रेले स्क्रिप्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताओ? ब्रेले लिपि में उभरे हुए शब्दों के रूप में शब्द उभरे हुए शब्दों के रूप को कैसे पढ़ा जाता है? जो आपकी ब्रेले स्क्रिप्ट होती है, ब्रेले लिपि होती है, में उभरे हुए शब्दों के रूप में कैसे पढ़ा जाता है? छूकर, देखकर, सुनकर या लिखकर? तो ऑब्वियस सी बात है जो बंदा देख नहीं सकता तो क्या करेगा? टच करके उसको फील करेगा, समझ सकता है, तो छूकर क्या करेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तो छूकर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छू कर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और देखो क्वेश्चन पूछ लिया कितने डॉट पे बेस है, ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो आप, ये कई बार आया क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ब्रेले लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते, ऑब्वियस सी बात है, देखा यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? चार, छः, चार, छः, आठ, दस। तो ये कितने डॉट पे होती है, कितने पॉइंट बने होते हैं इस पर? तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने पॉइंट होते हैं? फोर, सिक्स, एट, टेन, कौन सा करेक्ट होगा आपका? अभी मैंने बताया सिक्स बिंदुओं पर क्या होती है आपकी आधारित, छः बिंदुओं पर आधारित होती है, सिक्स पॉइंट पर ये बेस होती है, ध्यान रखना, इस टाइप से आपके डॉट बने होते हैं, सिक्स डॉट पर बेस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रेले जो आपकी स्क्रिप्ट होती है उस पर कितने पॉइंट बने होते हैं? सिक्स पॉइंट बने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो उभरे हुए बिंदु होते हैं कितने होते हैं आपके? सिक्स पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू सो मच।